क्या ओरल सेक्स सेफ है? ओरल सेक्स मुंह से करना सही या गलत है? इसके बारे में काफी सारे लोग सवाल करते रहते हैं, तो आइए उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन जब करते हैं तब काफी सारे सवाल लोग करते हैं कि ओरल सेक्स करना सही है या गलत है, मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर उसके लिए तैयार नहीं है। इसके लिए झगड़े होते रहते हैं, झंझट होती रहती है, लड़ाई होती रहती है। क्या ओरल सेक्स करने से प्रेगनेंसी होंगी? क्या क्या ओरल सेक्स में यदि सीमेन मुंह के अंदर जाता है तो क्या होगा? क्या ओरल सेक्स करने से गुप्त रोग हो सकता है क्या? वगैरह वगैरह सवाल लोग करते रहते हैं। मेरा विश्वास है कि यह वीडियो में उसके सब जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ओरल सेक्स क्या है? ओरल सेक्स ऐसा है कि जब एक स्त्री पुरुष के प्राइवेट पार्ट्स को अपने मुंह से या टंग से या अपने ओठ से स्टिमुलेट करती है तो उसको बोलते हैं फेलेशियो ओरल सेक्स। मतलब एक स्त्री पुरुष के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह से स्टिमुलेट करती है, उसको बोलते हैं फेलेशियो। और जब एक पुरुष स्त्री के प्राइवेट पार्ट्स को, मतलब वल्वा है, वजाना है या क्लाइटोरिस है या एनस है, उसको अपने मुंह से स्टिमुलेट करता है, टंग से, लिप से, मुंह से, जीवा से, जबान से स्टिमुलेट करता है, तो उसको बोलते हैं कन्निलिंगस। अभी इसको नाम दिया गया ओरल सेक्स, मतलब मुंह से सेक्स करना। क्या सही है? बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें प्रॉब्लम इतना है कि जब कोई पार्टनर तैयार नहीं होता तो दोनों की कंसेंट लेना जरूरी है या दोनों की कंसेंट होना जरूरी है, दोनों तैयार होना जरूरी है। फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्या यदि स्त्री को कोई बीमारी है? क्या स्त्री को कुछ बीमारी है, गुप्त रोग है, मुंह में छाले है अंदर गुप्त रोग की वजह से, टंग के ऊपर, जबान के ऊपर, होंठ के ऊपर कोई छाले है या पेनिस के ऊपर कुछ छाले है, तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे को इन्फेक्शन संभव है। तो सिफिलिस, गनोरिया, कोरोना जैसे, क्योंकि बहुत करीब आते, तो कोरोना है या बाकी HIV है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बाकी भी डिसीजेज जो है वो हो सकते हैं। अभी वो टालना है तो आपको बिल्कुल पक्का विश्वास होना चाहिए कि भाई किसी को ये बीमारी नहीं है। और नहीं तो फिर क्या है कि स्त्री के प्राइवेट पार्ट, वजाइना, वल्वा, क्लाइटोरिस या एनस स्टिमुलेशन यदि करना है तो एक डेंटल डैम करके एक लैटेक्स का एक शीट आती है, लैटेक्स या पॉलीयुरेथेन की शीट आती है, एकदम थिन फ्लेक्सिबल शीट रहती है, वो मुंह पे रखो या वजाना पे रखो और बाद में स्टिमुलेट करो ताकि डायरेक्ट टच नहीं होगा, मुंह का और वजाना का या क्लाइटोरिस का डायरेक्ट टच नहीं होगा और गुप्त रोग होने की संभावना नहीं होगी। वैसे ही जब स्त्री पेनिस को स्टिमुलेट करती है या मुंह में लेती है तब कंडोम का वापर करना बहुत जरूरी है, और कंडोम का वापर करते हैं तो फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहती। प्रेगनेंसी की संभावना ऑफकोर्स नहीं है, वो लोगों में गलत फहमी है, ओरल सेक्स में प्रेगनेंसी होती नहीं है क्योंकि वो सीमेन पेट में भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सीमेन अंदर इजैकुलेट हुआ मुंह में और अंदर चले गया पेट में तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मगर वो यदि इन्फेक्टेड है, सीमेन यदि इन्फेक्टेड है या कुछ बीमारी पुरुष को है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज निगलने की जरूरत नहीं है, कोई निगलते है, कोई निगलते नहीं है, और बिना निगलते वैसे कुछ ड्रॉप्स अंदर चले गए तो ऐसा कुछ नुकसान होता नहीं, उससे प्रेगनेंसी भी होती नहीं है। दोनों पार्टनर में से किसी को भी मेडिकल इशू नहीं होना चाहिए। यदि मेडिकल इशू है तो एक दूसरे को वो ट्रांसफर हो सकता है, मतलब कोई बीमारी ट्रांसफर हो सकती है और प्रॉब्लम हो सकते हैं। अच्छे सेंटेड कंडोम्स आप ऑनलाइन बुला सकते हैं, डेंटल डैम आप ऑनलाइन बुला सकते हैं, और डेंटल डैम वहां लगाना है, समझो एनस में स्टिमुलेट करना है तो वहां लगा सकते हैं या वजाइना के ऊपर लगा सकते हैं, अपने मुंह पे लगा सकते हैं ताकि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, मतलब इन्फेक्शन एक दूसरे का नहीं होगा। कंडोम आप जब वापरते हैं तो कंडोम बहुत ही ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा ऐसा लुब्रिकेटिंग यदि रहे, उसका बांस खराब आता है तो फिर प्रॉब्लम होता है, इसलिए सेंटेड कंडोम आते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज ओरल सेक्स करना कुछ बुरा नहीं है। पक्का यह याद रखना है कि दोनों की इच्छा होना जरूरी है, और दोनों को इच्छा दी है, दोनों ने हाँ बोला है, तभी ओरल सेक्स करना है अथवा नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगे लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।